खबर गोरखपुर से है, जहां हिंदू युवा वाहिनी भारत कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। फेसबुक पोस्ट को लेकर हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू युवा भारत में विवाद हुआ था। पुलिस ने हिंदू युवा भारत के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। हिंदू युवा भारत के कार्यकर्ताओं को छोड़ने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। बता दें कि इस दौरान हिंदू युवा भारत के अध्यक्ष को चोटें आई हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं को छोड़ने के लिए प्रदर्शन भी किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां हिंदू युवा भारत कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शन कर रहे थे ये लोग, आपस में विवाद हुआ था फेसबुक पोस्ट को लेकर, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची और लाठियां भांजी गई हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हिंदू युवा भारत के कार्यकर्ताओं को छोड़ने को लेकर प्रदर्शन किया गया, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हंगामा देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांजी है पुलिस ने, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और खदेड़ा है प्रदर्शनकारियों को यहां से। मामूली सी बात को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ, इसके बाद पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पूरे मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। लाठियां भांजकर इन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा है। हरेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, पुलिस यहां पर पहुंची और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? वंदना, हम बताना चाहेंगे कि ये फेसबुक पर संगठन, एक संगठन दूसरे संगठन के खिलाफ पटाख को लेकर के ये मामला हुआ है। हिंदू युवा वाहिनी, जो पुरानी हिंदू युवा वाहिनी है, वह हिंदू युवा वाहिनी भारत के प्रति संगठन के खिलाफ जो है फेसबुक पर पोस्ट की थी, उसी को लेकर के हिंदू युवा वाहिनी भारत के कार्यकर्ताओं ने जब बात की तो आपस में दोनों में विवाद हो गया। उसको लेकर के रात में थाने पर लोग आए और दोनों पक्ष आपस में समझौता करने को भी राजी हो गया, लेकिन फिलहाल एक पक्ष से तहरीर लेकर के हिंदू युवा वाहिनी भारत के जो महान संयोजक है चंदन विश्वकर्मा को पुलिस थाने पर बैठा ली। उसके बाद हिंदू युवा वाहिनी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह को जब जानकारी हुई तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे, जिसको लेकर के पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।